दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब हो जाती है या फिर इसका ये सॉकेट खुला हुआ भी रहता है तो भी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये गाड़ी किस तरीके से स्टार्ट होती है वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं इस वीडियो में। पूरी वायरिंग की जानकारी देने वाला हूँ, यहाँ से क्या कनेक्शन होता है, ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होता है, CDIS का कैसे काम करता है, करंट कैसे इसमें देता है, इसका कनेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें देने वाले हैं इस वीडियो में। और बैटरी चार्जिंग की कनेक्शन वो भी आपको बताएंगे। आखिर दोस्तों हम इस सॉकेट को अगर हम खोल देंगे, इस तार को अगर हम खोल देंगे तो गाड़ी स्टार्ट कैसे रहती है वो भी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो में। जहाँ तक आपको बता दें कि ये जो गाड़ियाँ होती है ये होती है DC कॉइल वाले सिस्टम। इसका जो मैग्नेट कॉइल होता है यहाँ पे सिर्फ इग्निटर आर्मेचर कॉइल होता है, इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है। जिस तरीके के हम CD100SS गाड़ी में या फिर वो जो स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, उसमें स्टार्टिंग कॉइल होता है। स्टार्टिंग कॉइल के जरिए से करंट बनता है और गाड़ी स्टार्ट होता है। अगर उनमें से अगर बैटरी चार्जिंग वाला आर्मेचर कॉइल अगर ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो हम गाड़ी को स्टार्टिंग कॉइल की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस बाइक का ये आर्मेचर कॉइल ख़राब हो जाती है तो हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। दो तरीके से हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से दोस्तों सिर्फ एक चीज़ सही रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है, एक है पिकअप कॉइल का वायर और दूसरा है ये ब्लू कलर का जो वायर आपको मिलेगी, ये पिकअप कॉइल का वायर मिलेगा। और साथ में ये वाला वायर जो देख रहे हैं वाइट कलर का, ये हो जाता है आर्मेचर कॉइल का जो करंट शो करता है। इनमें से ग्रीन कलर का जो वायर देखेंगे ये होता है बॉडी अर्थिंग का, और इनमें से अगर ये वाला वायर देखेंगे जिसमें से रेड कलर का मिला हुआ है और थोड़ा सा ग्रीन है, तो ये हो जाता है न्यूट्रल लाइट का। दोस्तों इनमें से करंट सिर्फ इसी वायर में आएगी और किसी वायर में करंट नहीं आएगी, सिर्फ वाइट कलर में करंट आता है और ये रेगुलेटर से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं इसे खोल देता हूँ तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी। चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से चाबी को हम ऑन करते हैं, पर ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है वो जानने वाले हैं पूरी तरीके से इस वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो कल अगर इसमें करंट की समस्या बनती है तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कल के लिए बहुत ही आसान होगा और करंट जो मिसिंग होता है उसे आप बहुत ही आसानी के जरिए से उसे निकाल पाएंगे, करंट के फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे आप। गाड़ी स्टार्ट करो। देखिए हम सेल्फ से नहीं, किक से स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये वायर अभी खुला हुआ है, ये वायर खुला हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। की आवाज़ में आपको फिर से सुना देता हूँ, बगल में जनरेटर चल रहा है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तंग रहता हूँ हमेशा। तो देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट है अभी, पर ये स्टार्ट कैसे है पता है? ये स्टार्ट है बैटरी की मदद से, बिल्कुल ये बैटरी की मदद से स्टार्ट है। और अगर मैं इस पिकअप कॉइल के वायर को अगर खोल दूँ तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए वायर खोलते ही गाड़ी बंद हो गई। सिर्फ इसमें पिकअप कॉइल ही काम करेगा, अगर हम इस टाइम में अगर स्टार्ट करना चाहें तो सिर्फ पिकअप कॉइल लगा हुआ रहना चाहिए, ये वायर लगा हुआ रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये वायर जो होता है दोस्तों ये CDIS से होता है, CDIS सप्लाई देता है इधर, CDIS से काम करता है ये पिकअप कॉइल। और पिकअप कॉइल अगर ख़राब हो जाती है तो फिर इसके ज़रिए से सही टाइमिंग नहीं मिलता है मैग्नेट का और गाड़ी की कनेक्ट नहीं बन पाती है। मैं इसे लगाता हूँ और आपको फिर आगे बताता हूँ CDIS तक करंट कैसे पहुँचता है। और ये जो गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है दोस्तों ये बैटरी की मदद से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं बैटरी की वायर खोल दूंगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं ये भी करके आपको दिखाता हूँ, मैं इस पिन को लगाता हूँ, उस साइड का पैनल खोलो, मैंने इस पिन को लगा दिया, अभी फ़िलहाल बैटरी की वायर को खुलवा रहे हैं। ये रेड कलर का वायर है जिससे करंट शो करता है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करवाते हैं, देखो स्टार्ट होता है गाड़ी, हमने वहाँ से स्विच को ऑन किया। तो अब देखिए ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब अगर मैं इस वायर, इस सॉकेट को अगर लगा दूंगा, बैटरी के वायर अगर खुला हुआ रहेगा, इस सॉकेट को अगर मैं लगा दूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लगा, अब ये क्यों, कैसे, ये सारा कनेक्शन किस तरीके से दिया हुआ है वो पूरी तरीके से आपको बताएंगे। पहले इसका कनेक्शन आपको दिखा देते हैं, भाई देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने इस प्लग को लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। यानी कि ये वाला वायर जो खुला हुआ था, ये सॉकेट जो खुला हुआ था, मान के चलो ये खुला हुआ है, या फिर इसके अंदर का जो कॉइल है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है शॉर्ट हो गया, और
इस हालात में अगर बैटरी ठीक रहती है, बैटरी चार्ज रहता है, तो उसके जरिए से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बैटरी चार्ज नहीं है और फिर ये सॉकेट लगा हुआ है या फिर इसका कॉइल सही है, तो फिर बिना बैटरी की गाड़ी स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, ये कॉइल भी लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉइल भी लगा हुआ है और बैटरी चार्ज नहीं है, और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये यानी कि इसमें भी करंट शो कर रहा है, इस वाइट कलर में करंट शो कर रहा है, इस वाइट वाले तार में करंट शो कर रहा है और गाड़ी करंट नहीं दे रही है, ठीक है। तो ऐसे हालात में आपको पता है क्या चेक करना होगा, और उस टाइम में बैटरी चार्ज नहीं है, ठीक, इस तार में करंट आ रहा है सादे वाले में और बैटरी चार्ज नहीं है और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही और वहाँ तक करंट शो नहीं कर रहा है, यहाँ तक करंट शो नहीं कर रहा है इस प्लग वाले वायर तक, तो इससे पहले आपको इग्निशन स्विच भी चेक करना होगा कि इग्निशन स्विच हमारा काम करता है या नहीं। इग्निशन स्विच को वहाँ से दो वायर डायरेक्ट करके ज़रूर देख लें, इनमें से जो दो वायर होता है इसके इग्निशन स्विच का दो कलर, रेड कलर का जो वायर होगा इसको आप इसको इस दोनों वायर को आप डायरेक्ट करके देख लें, जोड़ कर देख लें आपस में, तो इससे भी करंट नहीं बनती है। अब देखिए वो भी आपने कर लिया और यहाँ तक करंट नहीं आ रही है, तो इसके बाद पता है क्या दिक्कत होती है दोस्तों, इसके बाद आती है दिक्कत इसके चार्जिंग कॉइल में। मैं आपको वो भी खोल कर दिखाता हूँ, बैटरी चार्ज मान के चलो नहीं है, मैंने इस वायर को खोल दिया है, बैटरी चार्ज नहीं है, और उधर का सॉकेट लगा हुआ है, उस साइड का सॉकेट लगा हुआ है, मैग्नेट कॉइल का सॉकेट लगा हुआ है और बैटरी का जो इसका रेगुलेटर का जो सॉकेट है वो खुला हुआ है या फिर वो सही नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी देख लेते हैं वो भी चीज़ें करके। जैसे शुरू में आपको बताया कि अगर इस वाले सॉकेट को हम अगर खोल दें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम मैंने बैटरी का वायर लगा के रखा था, उस टाइम गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अब जब मैंने इस वायर को, इस सॉकेट को खोल दिया और फिर मैंने बैटरी के वायर को खोल दिया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बैटरी का वायर अभी खुला हुआ है और ये सॉकेट लगा हुआ है, तो इस टाइम में हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। मार किक मार, अभी ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन दोस्तों इस टाइम में अगर हम इसका रेगुलेटर खोलेंगे तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर मैं आपको इसका सिस्टम बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये रेगुलेटर है, बैटरी चार्जर है, देखिए इसे खोलते ही ये गाड़ी बंद हो गई, और अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो ये स्टार्ट नहीं होगी, दो तीन किक मार तो देखिए इस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अभी दोस्तों अभी इसका जो बैटरी का वायर है ये खुला हुआ है, अब अगर हम बैटरी के वायर को लगा देंगे, बैटरी चार्ज है अभी, बैटरी के वायर अगर लगा देंगे और ये खुला हुआ रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। चलिए ये भी करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। भाई देखिए अब मैंने बैटरी की वायर लगा दिया, बैटरी चार्ज है और ये रेगुलेटर खुला हुआ है, तो इसके माध्यम से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इस बैटरी की वजह से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि बैटरी चार्ज नहीं होगी, जितना बैटरी में चार्ज है इस बैटरी की वजह से गाड़ी स्टार्ट तो रहेगी, लेकिन जब धीरे धीरे ये बैटरी लो हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी गाड़ी, और अभी बैटरी फुल चार्ज है इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ पूरी तरीके से, इसका कनेक्शन क्या होता है। यहाँ तक आप अगर वायर देखेंगे तो ये चार वायर आपको मिलेगी, एक अर्थिंग मिलता है और एक जो येलो कलर का है ये लाइटिंग कॉइल का, लाइटिंग तार का मिलता है, और इनमें से अगर रेड कलर का वायर देखेंगे तो ये बैटरी चार्जिंग का मिलता है, और इनमें से अगर वाइट कलर का वायर देखेंगे तो ये आर्मेचर कॉइल का वायर मिलता है। चलिए आपको पूरे विस्तार से हम आपको बताते हैं इसका कनेक्शन क्या होता है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया है वायरिंग के विषय में, वायरिंग कैसे काम करता है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो वाइट कलर का वायर है ये आर्मेचर कॉइल का वायर है, और इससे करंट आगे पहुंचता है रेगुलेटर में, इसका करंट डायरेक्ट रेगुलेटर में आता है, ये देखिए ये रेगुलेटर में आता है, यहाँ पर ये वाइट कलर का आप जो वायर देख रहे हैं ये यहाँ तक करंट आता है, उसके बाद ये इनपुट हो गया, ये इनपुट इसके अंदर जाएगा और आउटपुट जो करंट होगा ये दो वायर में आएगी, दो वायर में आएगी, इनपुट दो वायर जाता है, ग्रीन जाता है और एक वाइट कलर का जाता है, और उधर से जो आउटपुट होगा येलो होगा और रेड होगा। येलो कलर जो वायर है ये चला गया लाइटिंग के लिए, जो हेडलाइट वर्क करेगा या फिर बैक लाइट वर्क करेगा, हेडलाइट काम करने के विषय में। और ये रेड कलर का जो वायर है दोस्तों यहाँ से चार्जिंग के लिए जो सप्लाई होता है, ये रेड कलर का वायर चार्जिंग के लिए सप्लाई होता है, ठीक है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ होता है और एक CDI से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बैटरी की वायर को अगर खोल देंगे
तो इसके ज़रिए से जो रेड कलर का वायर है ये डायरेक्ट इस CDI यूनिट में करंट पहुंचता है। CDI यूनिट नीचे होता है, इसके नीचे है। और अगर हम इस बैटरी के वायर खोल देंगे तो इसके ज़रिए से CDI यूनिट में करंट पहुंचेगी और गाड़ी हमारी स्टार्ट रहेगी। और अगर इसे हम खोल देंगे और अगर बैटरी चार्ज है तो बैटरी के ज़रिए से CDI यूनिट तक करंट ये मतलब इसका जो वायर है वो पहुंचा हुआ है और CDI यूनिट से करंट आगे सप्लाई होता है और गाड़ी स्टार्ट होने में मदद होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर खोल देते हैं तो बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट क्यों होती है, तो बैटरी चार्ज है इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगा और ये ख़राब होता है तो उस टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अगर बैटरी चार्ज है और ये ख़राब है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उस टाइम क्या होगा, कुछ दिन आप चलाएंगे, 2-4-10 दिन चलाएंगे और फिर गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है। और अगर ये चीज़ सही रहता है तो हम बिना बैटरी का भी चला सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट है ये डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहा है CDI तक और बैटरी तक भी सप्लाई कर रहा है, तो ये फुल चार्ज दे रहा है, तो बैटरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, BS6 छोड़ के बिना बैटरी की गाड़ी हम स्टार्ट कर सकते हैं, BS6 को भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार अगर गाड़ी बंद हो जाती है, कुछ देर के लिए हम स्टार्ट रखेंगे और गाड़ी बंद हो गई तो फिर बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी के ज़रिए से ही उसका फ्यूल पंप काम करता है। और इसमें क्या है ना, इससे पहले जितनी भी गाड़ियां आती है FI को छोड़कर जितनी भी गाड़ियां हैं, हमें बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, बिना बैटरी का स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसे हालात में क्या होगा कि ये बैटरी का जो चार्जर है, रेगुलेटर है, वो सही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे लगता है कि आप सारी बातें समझ चुके होंगे कि बैटरी का कनेक्शन CDI तक और रेगुलेटर का कनेक्शन CDI तक जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए ये दोनों के ज़रिए से अगर दोनों में से कोई भी ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अब देखिए, अगर बैटरी अगर चार्ज नहीं है मान के चलो, और फिर ये रेगुलेटर भी ख़राब हो चुका है, ठीक है, रेगुलेटर भी ख़राब हो चुका है, और अगर यहाँ से करंट शो कर रहा है और गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती है तो वो फिर रेगुलेटर की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब जैसे ही आप रेगुलेटर लगा देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये वाला इसमें करंट नहीं शो कर रहा, इस वाइट कलर में करंट शो नहीं कर रहा मैग्नेट आर्मेचर कॉइल से, और उस टाइम में अगर बैटरी चार्ज रहता है तो आप गाड़ी चला सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि हाँ, लेकिन जब तक बैटरी चार्ज रहेगा तभी तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है यहाँ से चार्जिंग। ये जो वाइट कलर में जब करंट नहीं आ रहा तो इसके ज़रिए से रेगुलेटर में करंट नहीं पहुँचेगा और ये क्या करेगा, बैटरी चार्ज नहीं करेगा। इसी वजह से आप मुझे लगता है कि सारी बात आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे काम करता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कासिम उटो, झारखंड गुडा नरेश से।